भोपाल के गांव कुंजपुरा में खेतों से चोरी की वारदात होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि चोर ट्रांसफार्मर से कीमती सामान चुरा कर ले गए, जिससे किसानों में दहशत का माहौल है। बता दें कि आधी रात को अज्ञात चोर कटर से ट्रांसफार्मर को काटकर उसके अंदर का तांबा निकाल कर ले गए। हालांकि किसानों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं आया। पुलिस के ना आने को लेकर भी किसानों में गुस्सा है। किसानों का कहना है कि रात के वक्त कलरेड़ी से कुंजपुरा जाने वाली सड़क पर पुलिस की कोई गश्त नहीं होती, जिसके चलते चोर आसानी से चोरी की वारदात कर जाते हैं। किसानों में इस घटना को लेकर रोष बना हुआ है। किसान राजन लांबा ने बताया कि इस घटना से किसानों को खुद के पैसों से ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा। पहले किसान की हालत दयनीय है, जिससे उन्हें और अधिक आर्थिक नुकसान होगा। बताते चले कि बाबा रामदास विद्यापीठ के समीप नहर के आसपास एरिया में खेतों में लगे ट्रांसफार्मर पर चोरों द्वारा हाथ साफ करने का यह मामला सामने आया है, जिसमें चोरों के द्वारा चार ट्रांसफार्मर का तांबा निकाल कर रफू चक्कर होने की बात सामने आई। घटना हुई जी, रात मेरे ख्याल 11:30-12 बजे तक तो मैंने काम किया तो कुछ ऐसा था नहीं जी, लेकिन सुबह जब उठे तो एक ये ट्रांसफार्मर ये वाला, एक ये वाला और दो पड़ोसी के, इसका सारा तोड़ के कटरों के लोग काट के खेत में बैठ के और सारा तांबा वगैरह निकाल के ले गए। और इससे पहले भी हो चुका है, ना इस रोड पे कोई गश्त होती ना कुछ होते, पुलिस की नहर पे भी ऐसे ये वाला लड़के दारू पीते रहते बैठे हुए, तो ये तो घटनाएं घट रही है, तो पुलिस को सोट ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिम्मेदारों को अब ये दोबारा लगवाने के लिए पेमेंट अपने पैसों से करनी है और अपने पेमेंट से ट्रांसफार्मर लगवाने पड़ेंगे, जो कि बहुत निंदनीय बात है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।